राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा नाम, एक बड़ा राजनीतिक कद है उनका, लेकिन राजनाथ सिंह भी इन दिनों चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने की असल वजह है पुलवामा का हमला। देश में जो पुलवामा हमला हुआ, उस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हो जाते हैं, और उन शहीद जवानों की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी बताई जाती है, क्योंकि उस वक्त जो सेना के जवान थे उन्हें जो 3 एयरक्राफ्ट चाहिए थे वो 3 एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। हालांकि गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि आगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे पूछताछ के बाद फैसला लिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद को बचाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि पुलवामा हमले को लेकर तो चर्चाओं में है ही राजनाथ सिंह, लेकिन एक और वजह से चर्चाओं में है राजनाथ सिंह का धीरे धीरे जो राजनीतिक कद बढ़ा है, उनकी संपत्ति भी क्या इसी तरीके से बढ़ती चली गई है, और क्या उनका बैंक बैलेंस भी इसी तरीके से बढ़ता चला गया। कितनी संपत्ति के मालिक हैं राजनाथ सिंह, और क्या कुछ उनके पास है, और कैसे राजनीतिक करियर की शुरुआत करते करते रक्षा मंत्रालय के पद तक पहुंचे, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के मुताबिक केंद्र गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुल 4.62 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। राजनाथ सिंह के पास 2,97,30,580 रुपये की अचल संपत्ति और 16,45,82,060 रुपये की चल संपत्ति है। वहीं राजनाथ सिंह की पत्नी सावित्री सिंह के पास 53,00,000 रुपये की चल संपत्ति। इसके अलावा राजनाथ सिंह के पास 68,000 रुपये और उनकी पत्नी के पास 37,000 रुपये कैश है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने पत्नी सहित अपनी कुल संपत्ति 2.9 करोड़ रुपये बताई थी, यानी उनकी संपत्ति में करीब 2 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार 2017-18 में राजनाथ सिंह की वार्षिक आय 19,00,000 रुपये थी, जो 2016-17 की तुलना में लगभग 45% बढ़ गई। 2016-17 में उनकी आय 13,00,000 रुपये से भी कम थी। 2013-14 में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले राजनाथ सिंह ने सिर्फ 10,00,000 रुपये की वार्षिक आय घोषित की थी। हलफनामे में राजनाथ सिंह ने बताया उनके पास 0.32 बोर की एक रिवॉल्वर और एक डबल बैरल बंदूक है। केंद्रीय गृह मंत्री के पास 1.90 लाख रुपए कीमत का 60 ग्राम सोना और 3,00,000 रुपए के रत्न हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास 25,00,000 रुपए के 750 ग्राम सोने के गहने और 5.60 लाख रुपए कीमत की 12.5 किलो चांदी है। राजनाथ सिंह ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि उनकी अचल संपत्ति में उनके गृह जनपद चंदौली में 1.47 करोड़ रुपए की कृषि भूमि और लखनऊ में गोमती नगर के विपुल खंड इलाके में 1.50 करोड़ रुपए का एक घर है, जो उन्होंने 1997 में खरीदा था। राजनाथ सिंह के पास कोई कार नहीं है और ना ही उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है। एक रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई जो सीधे तौर पर ये बता रही है कि कैसे एक सफ़र शुरू किया जाता है राजनाथ सिंह की तरफ से, और देखते ही देखते बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं। हालांकि अब ये देखना ज़रूर होगा कि विपक्ष जो कह रहा है कि पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए, पुलवामा हमले का सच सामने आना चाहिए, अगर पुलवामा हमले की जाँच शुरू हो जाती है, सच सामने आ जाता है, तो क्या बड़ी मुश्किल में राजनाथ सिंह फंसते नजर आएंगे। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।